अस्सलाम वालेकुम। तो बकरीद पे मेरा यूरोप जाने का मूड हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना यूरोप के लिए शेंजन वीज़ा अप्लाई किया, जबकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। तो मैंने TLS पे अपना वीज़ा फॉर्म फिल किया और कोई मुझे 28 मार्च के 3 बजे का, शाम 3 बजे का अपॉइंट मिला। तो मैं काम पे गया, वहाँ पे मैंने शॉर्ट लीव ली। तो शॉर्ट लीव लेने के बाद मैंने गूगल मैप पे अपना एड्रेस निकाला। गूगल मैप पे मैंने जब ऑफिस का एड्रेस निकाला तो मोस्टली 2.5 घंटे लग रहे, 2 घंटे थे। तो मैंने पार्क स्टेशन से एलिजबथ लाइन ली, जो कि वहाँ पहुँची टॉटनम कोर्ट। एलिजबथ लाइन एक ज़बरदस्त रेल लाइन है, कमाल किया। तो वो कोई आधा घंटे के बाद मैं पहुँचा टॉटनम कोर्ट ना। टॉटनम कोर्ट स्टेशन पे पहुँचा, वहाँ पे मैंने नॉर्दर्न लाइन ढूंढना शुरू कर दी। स्टेशन बड़ा था, नॉर्दर्न लाइन ढूंढी। नॉर्दर्न लाइन अंडरग्राउंड स्टेशन है, जो कि 2-3 मंजिल और नीचे जाना पड़ता है मुझे। जब मैं 2-3 मंजिल और नीचे गया, नॉर्दर्न लाइन ली, और जो ट्रेन में जब मैं बैठा, ट्रेन ऐसी खटारा सी थी, जब चली तो ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ना करे ट्रेन पटरी से ना उतर जाए। ट्रेन खाली थी, मैंने सोचा अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लूँ एक दफ़ा पूरे, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे वो थे, वीज़ा फॉर्म था, एयरलाइन टिकट्स थी, होटल बुकिंग थी, ट्रैवल इंश्योरेंस था, पे स्लिप थी 3 मंथ्स की, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थी, 2 फोटोज़ थी, और मेरा ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो टॉटनम कोर्ट में पहुँचा, वहाँ से फिर मैंने कोई आधा घंटा ट्रैवल करके जो मैं स्टेशन निकला, मेट्रिसा पावर स्टेशन जो एरिया बहुत ही ज़बरदस्त एरिया, आई मीन फुल गोरों का, ये Zone 1 में आता है, सिटी के पास आता है। जब मैंने मेट्रिसा पावर स्टेशन, जो कि आपके सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली आज से काफ़ी साल पहले 18 में या 19 में ना, ये पावर प्लांट था, कोल पावर प्लांट था, कोयले से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। लेकिन बाद में इन फ्यूचर, अब बाद में ये ख़त्म हो गया और इसको शॉपिंग मॉल बना दें, इसलिए इसका नाम है मेट्रिसा पावर स्टेशन। नाम से ही वाजे हो जाता है कि पावर स्टेशन था पहले। पावर स्टेशन मैं जा नहीं सकता मॉल में, क्योंकि टाइम कम था। वहाँ से फिर मैंने दोबारा चेक किया, मेरी बस आने में, वैसे तो गूगल मैप पे लिखा हुआ था 5-10 मिनट में आ रही, लेकिन वो आधे घंटे में ही आया। जब भी आपने बस पे जाना हो तो आपको आधा घंटा, घंटे का आपको डिले आ सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बीच में स्टक होती है। वहाँ से मैंने 156 की बस ली और वो मुझे पहुँची वेंट्सवर्थ स्टेशन पहुँच उतरा मैं। वहाँ से फिर मैंने TLS का ऑफिस ढूंढा, मुझे TLS सामने मिल गया। TLS ऑफिस में मैं जब एंटर होने वाला, उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर देखा, मुझे अलाउ किया। TLS बेसिकली एक थर्ड पार्टी है, आपका ये वीज़ा फॉर्म कलेक्ट करती है। TLS में फ्रांस, जर्मन, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और एक, ये 3-4 कंट्रीज हैं, ये आपके वीज़ा फॉर्म कलेक्ट करती है, आपके अपॉइंटमेंट लेती है, आपके पासपोर्ट कलेक्ट करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करती है और आपके डॉक्यूमेंट्स आगे कॉन्सुलेट को भेज देती है। यहाँ पे मुझे कोई 3 घंटे लगे, बहुत ज़्यादा पहले तो क्यू थी, क्यू के बाद फिर मेरी बारी आई। काउंटर सामने चल रहा था, वहाँ पे आपका नंबर आ रहा था, उसके मुताबिक आप काउंटर पे जाना है, वो आपकी सारी डिटेल्स पूछते, आपसे वीज़ा फीस लेते, आपसे पासपोर्ट चेक करते, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, उन्होंने BRP कार्ड देखा, उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया और मेरी इफ्तारी रास्ते में ही गुजर गई।